हो रही है। आजकल अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जो चल पड़ी है, दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात हो या मध्य प्रदेश के खरगोन के दंगों की, अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। भारत दौरे के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बुलडोजर के प्लांट का उद्घाटन कर चुके हैं, मगर क्या आप जानते हैं बुलडोजर का अपना भी एक दिलचस्प इतिहास रहा है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं दास्तान है बुलडोजर। यहाँ तोड़ाई वहाँ फोड़ाई और इन सब में बुलडोजर का दम है भाई। देश में इन दिनों बुलडोजर ट्रेंडिंग पर है। आज से पहले शायद इसकी चर्चा इतनी कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। बुलडोजर अभियान जारी करने वाले मुख्यमंत्रियों के नाम तो अब बुलडोजर की पहचान बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा है। बुलडोजर से जुड़ी अहम बातें। अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिस मशीन का उपयोग हो रहा है उसे जेसीबी या बुलडोजर कहते हैं। इसका उपयोग खुदाई, तोड़फोड़ या किसी चीज को हटाने के लिए किया जाता है। इसे दोनों तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। इस जंबो मशीन का रंग पीला होता है। पहले रंग पीला नहीं, नीला और लाल था। ज्यादातर लोग इस मशीन को जेसीबी कहते हैं, लेकिन ये इसका नाम नहीं है। जेसीबी वो कंपनी है जो ये मशीन बनाती है। इस जंबो मशीन का सही नाम बैकहो लोडर है। जेसीबी कंपनी की नींव 1945 में रखी गई थी। कंपनी ने जो पहला बैकहो लोडर बनाया था वो 1953 में बनाया था। ये नीले और लाल रंग का था। इसके बाद इसे अपग्रेड किया गया। साल 1964 में एक बैकहो लोडर बनाया गया जो पीले रंग का था। इसके बाद से लगातार पीले रंग की ही मशीनें बनाई जा रही हैं। अन्य कंपनियां भी इन मशीनों का रंग पीला ही रखती हैं। शुरुआत में इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर बनाया गया था। समय के साथ इसके मॉडल में बदलाव किए। लीवर से होती है ऑपरेट, लगा होता है लोडर। बैकहो लोडर दोनों तरह से काम करती है। इसे स्टीयरिंग के बजाय लीवर से ऑपरेट किया जाता है। इसमें एक साइड के लिए स्टीयरिंग लगी होती है, दूसरी तरफ क्रेन की तरह लीवर लगे होते हैं। इस मशीन में एक बड़ा वाला हिस्सा लोडर लगा होता है। इससे कोई भी सामान उठाया जाता है। दूसरी तरफ इसमें एक साइड बकेट लगा होता है। ब्रिटिश अरबपति के नाम पर बनाई गई जेसीबी एक्सावेटर्स लिमिटेड एक ब्रिटिश कंपनी है। इसका मुख्यालय रोसेस्टर स्टार्टफोर्ड शायर में है। ये कंपनी भारी उपकरण बनाने के लिए जानी जाती है। इस कंपनी के मालिक और फाउंडर ब्रिटिश अरबपति जोसेफ साइरिल बम्फोर्ड थे। जोसेफ की मौत 2001 में हो गई थी। उन्हीं के नाम पर कंपनी का नाम जेसीबी रखा गया है। दुनिया की तीसरी बड़ी निर्माण उपकरण कंपनी। ये कंपनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी निर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनी है। जेसीबी बैकहो लोडर के साथ अन्य कई बड़ी मशीनें बनाती है। ये निर्माण कार्य खेती, भार उठाना या जमीन खोदना आदि कामों में उपयोग की जाती है। ये कंपनी दुनिया के 150 से अधिक देशों में प्रोडक्ट बेचती है। जेसीबी के अलावा भी कई कंपनियां बनाती है बैकहो लोडर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेसीबी ही बैकहो लोडर बनाती है। भारत में एस, एलएनटी, वॉल्वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो बैकहो लोडर बनाती हैं। बैकहो लोडर की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है जो 40 से 50 लाख रुपए तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।